गुड इवनिंग। एक बार फिर एडवांस स्कूल ऑफ मैथ और साइंस के मन से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लासिक साइंस गार्बेज इन गार्बेज आउट के दूसरे और अंतिम पार्ट की शुरुआत करेंगे। आज के पार्ट की शुरुआत होगी कि किस तरह से डिफरेंट तरीके से वेज टू रिड्यूस्ड प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन। यानी जो प्लास्टिक रिलेटेड वेस्ट है, किस तरह से उसके जनरेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। इसमें जो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसमें पहला हो सकता है से नो टू प्लास्टिक वेग, से नो टू प्लास्टिक बैग्स, लेट अस स्विच टू ऑल्टरनेटिव्स। यानी बैग के ऑल्टरनेटिव को हम लोग सेलेक्ट करें, जैसे क्लॉथ बैग, जूट बैग और इवन पेपर बैग। तो ये एक बड़ा तरीका हो सकता है जिसमें हम प्लास्टिक बैग के जनरेशन को अवॉइड कर सकते हैं, काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक के बैग को यूज भी कर सकते हैं, डेवलप हैबिट टू यूज प्लास्टिक बैग अगेन एंड अगेन। सपोज कीजिए हमारे पास प्लास्टिक का एक बैग है जिसमें हमने शॉपिंग के दौरान कुछ कपड़े खरीदे, उन्होंने वो प्लास्टिक का बैग दिया और वो प्लास्टिक का बैग चूंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उसको एक लंबे अंतराल तक हम रख सकते हैं। तो ठीक है, जब भी हम कपड़े रखें तो उसी प्लास्टिक बैग को यूज करें, चाहे अपनी अटैची में रख रहे हो या फिर मार्केट जा रहे हैं तो सेम प्लास्टिक के बैग को कैरी करते जाएं। नए बैग लेने के बजाय उसी पुराने बैग में वापस हम क्लॉथ खरीद के लाएं। तो इस रीयूज के द्वारा भी जो नए प्लास्टिक बैग वेस्ट के जनरेशन है, जो गार्बेज का जनरेशन है प्लास्टिक का, उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग टू एंड फ्रो, यानी जत्र तत्र हम लोग प्लास्टिक के बैग को नहीं फेंकें। ट्राई टू थ्रो इट इन प्रॉपर डस्टबिन। तो इसको किसी प्रॉपर डस्टबिन में फेंका जाए। अवॉइड द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, अवॉइड द बर्निंग ऑफ
प्लास्टिक एज इट विल अवॉइड द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक को बर्न करने करने को अवॉइड करें, एज इट विल प्रोड्यूस डेंजरस एंड पॉइजनस गैसेस विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए जो प्लास्टिक का बैग है उसको हम लोग बर्न नहीं करेंगे। एक बार जो हम लोगों ने अभी तक किया उसको एक बार रिपीट कराएं। वेज टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन, पहले लिखे हैं से नो टू प्लास्टिक बैग्स, यानी प्लास्टिक बैग का हम लोग बहिष्कार करें, उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ जाएं, जो कपड़े का, जूट का या पेपर का बैग हो सकता है। इसके अलावा हम लोग ये हैबिट डेवलप करें कि प्लास्टिक का जो बैग है उसी सेम बैग को बार बार, सेम प्लास्टिक बैग उसको बार बार यूज करें, प्लास्टिक के बैग को जहां तहां नहीं फेंकें, इसको किसी प्रॉपर डस्टबिन में फेंका जाए जहां आसानी से प्लास्टिक को रिसाइकलिंग या बाकी प्रोसेस से एक प्रॉपर प्लेस में उसका रिसाइकलिंग हो सके। प्लास्टिक को जलाने से रोका जाए क्योंकि उससे बहुत सारे पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसके अलावा ट्राई टू एडुकेट पीपल, ट्राई टू एडुकेट पीपल अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट, अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक्स के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, उसके बारे में लोगों में जागरूकता पैदा किया जाए, उनको उसकी शिक्षा दी जाए। और अगला जो इसका जिस सेक्शन पे हम लोग स्ट्रेस देंगे, जोर डालेंगे, वो है मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी किस तरह से हम लोग वेस्ट को मैनेज करते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं। जितने तरह के भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारी आवश्यकता है कि उसको मैनेज किया जाए और प्रॉपर वे में डिस्पोज किया जाए, यानी इट इज क्वाइट नेसेसरी इट इज नेसेसरी टू मैनेज एंड डिस्पोज द वेस्ट प्रॉपरली, यानी ये बहुत आवश्यक है कि हम किस तरह से मैनेज करते हैं वेस्टेज को और किस तरह से प्रॉपरली उसको डिस्पोज करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। एज इट इज नेसेसरी इट इज नेसेसरी फॉर कीपिंग
अस हेल्दी, कीपिंग अस हेल्दी एंड इन्वायरमेंट क्लीन। ये आवश्यक है कि हम किस तरह से हेल्दी रहें और किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करें। तो इस दिशा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया 2 अक्टूबर 2019 को। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था, जिसको हम लोग स्वच्छ भारत मिशन कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पे इस मिशन को लॉन्च किया। मकसद था कि कैसे हम अपने सोसाइटी को, अपने शहर को, अपने देश को साफ रखें, क्योंकि स्वच्छता अभियान का लक्ष्य यही था कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने सोसाइटी को स्वच्छ रखेंगे तो एक पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर बनाने में मदद मिलेगा। ये हमारे लिए स्वस्थ रहने का एक बड़ा जरिया साबित होगा। अगर हम लोग वेरियस वेज ऑफ गार्बेज या वेस्ट मैनेजमेंट की चर्चा करें, गार्बेज या वेस्ट मैनेजमेंट की चर्चा करें तो उसमें पहला हो सकता है कि प्रॉपर यूज ऑफ लैंडफिल्स। अब ये जो है, देखिए, लैंडफिल किसको कहा जाता है? इट इज लार्ज लो लाइंग लैंड एरिया, यानी ये बड़ा सा लैंड का एरिया है वेयर गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ एडजॉइनिंग एरिया आर डंप्ड, यानी ये वो इलाका है जो कि लोअर लेवल पे लाई करता है और अलग-अलग जगह से, आसपास के इलाके से जो गार्बेज कलेक्ट किए जाते हैं उसको वहां पे डंप किया जाता है। यूजफुल
मटेरियल्स, आर सेपरेटेड, फ्रॉम द गार्बेजेस, एंड रेस्ट आर स्प्रेड ओवर द लैंडफिल। यानी जो उसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती हैं गार्बेज के साथ, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है, और बाकी को लैंडफिल पे स्प्रेड किया जाता है। व्हेन दिस लैंडफिल बिकम्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड विथ गार्बेज बेड, देन उसके ऊपर जो है मिट्टी का लेयर लगाया, लेयर रखा जाता है, देन लेयर ऑफ सॉइल इज पुट ओवर इट। पुट ओवर इट, उसके ऊपर जो है सॉइल का लेयर डाला जाता है, और एक बारी में जो लैंडफिल जो है कंप्लीट हो गया तो सम पार्क और प्लेग्राउंड इज डेवलप्ड ओवर इट। और उसके ऊपर कोई पार्क, प्लेग्राउंड ये सब डेवलप किया जाता है। कोशिश की जाती है नो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क इज डन एटलीस्ट फॉर 20 ईयर्स। चूंकि फाउंडेशन या बेस कमजोर हो सकता है, तो शुरुआत में कम से कम 20 साल तक कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन का वर्क उस पर नहीं किया जाता है। बाद में जांच करने के बाद अगर वो कंपेटेबल है कि उस पर कंस्ट्रक्शन किया जाए, तब कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, अदरवाइज उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। इसी में जो दूसरा तरीका है, उस दूसरे तरीके को हम लोग मैनेजमेंट का जो दूसरा तरीका होगा वो है कंपोस्टिंग का। अब देखिए कंपोस्टिंग के प्रोसेस में क्या है, ये एक नेचुरल मेथड है जिसमें बायोग्रेडेबल वेस्ट को मैन्यूर में कन्वर्ट किया जा सकता है, किया जाता है। इट इज ए नेचुरल वे ऑफ कन्वर्टिंग बायो डी ग्रेडेबल, इट इज अ नेचुरल वे ऑफ कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू मैन्यूर फॉर प्लांट्स। अब ये बायोडिग्रेडेबल
जो वेस्ट हो सकते हैं। ये वेस्ट क्या हो सकता है? ये वेस्ट अपने किचन का फूड वेस्ट हो सकता है। इसके अलावा प्लांट के वेस्ट हो सकते हैं, लाइक ड्राई लीव्स, पीसेस ऑफ स्टीम्स हो सकते हैं, सूखी हुई टहनियां हो सकती हैं। इसके अलावा फार्म या एग्रीकल्चर का वेस्ट हो सकता है, जिसमें हस्क, स्ट्रॉ, वीड्स, इस तरह के वेस्ट वहां पे हो सकते हैं। अब ये जो वेस्ट होते हैं, ये जो वेस्ट हैं, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसलिए ये आराम से मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैन्यूर में कन्वर्ट करने की जो का जो तरीका है, उसी को हम लोग कंपोस्टिंग कहते हैं। इसी में अगला हो सकता है, इसको कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग। इस केस में अर्थवर्म, जिसमें मेनली रेड वर्म इज यूज्ड टू मेक कंपोस्ट। यानी इसमें रेड वर्म को यूज किया जाता है कंपोस्ट बनाने के लिए। इसका तरीका क्या है कि एक थोड़ा सा गड्ढा कर लिए, इस पिट में वेस्ट रखा गया, और पिट में वेस्ट रख करके इस वेस्ट को फाइनली सुटेबल बनाया जाता है, कि जिससे रेड वर्म जो है वो कंपोस्ट या मैन्यूर में कन्वर्ट हो। उसके अगर हम लोग तरीके में ध्यान दें, तो एक कॉमन तरीका क्या हो सकता है कि सबसे पहले आपने लैंड में पिट या गड्ढा बनाया, फिर उसके बाद उसने उसके बॉटम पे दो तीन चार पांच सेंटीमीटर थिकनेस वाला सेंड का लेयर, सॉइल का लेयर बिछा दिया, या उसके बदले हम नेट या जाल को भी यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर जो आपके गार्बेज वेस्ट हैं, न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट हैं, उसको उस पे स्प्रेड किया गया, जो वेजिटेबल के फ्रूट्स के पील्स हो सकते हैं उसके ऊपर उन्होंने किया। इसके अलावा ड्राई लीव्स, ड्राई स्टाक्स, ये सब हो सकता है, हस्क हो सकता है, न्यूज़पेपर के पीसेस हो सकते हैं, वुड का पीसेस हो सकता है, उसको सैंड के या उस नेट के ऊपर आपने स्प्रेड कर दिया। इसके अलावा ड्राइड डंग ऑफ एनिमल, गोबर को भी यूज किया जा सकता है। फिर उसके अलावा उसमें थोड़ा सा आपने पानी की छिड़काव, उसके ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे, वाटर से स्प्रिंकल करेंगे, जो कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा रेड वर्म के रिड्यूस होने के लिए। लेयर ऑफ वेस्ट जो आपने बनाया है उसको प्रेस नहीं करना है, क्योंकि उसके बीच में गैप्स होने चाहिए जिसमें सफिशियंट एयर और मॉइस्चर मिल पाए। बहुत ज्यादा कोल्ड या हॉट एटमॉस्फेयर नहीं रखना है, क्योंकि ना तो बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन में, नहीं बहुत ज्यादा हॉट कंडीशन में रेड वर्म जो है ग्रो करेंगे। इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करना है, प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करना है।
आप करेंगे कुछ रेड वर्म जो है उसके ऊपर डाल देंगे, उसको फूड सप्लाई करने के लिए फिर से उसके फूड के लिए कुछ मटेरियल अलग से डालेंगे, जिसमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के वेस्ट हो सकते हैं, कॉफी या टी का जो रिमेनिंग हिस्सा है वो हो सकता है। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डिजीज प्रोड्यूस करने वाले स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं वो डेवलप नहीं करे, इसलिए कुछ चीजों को का वेस्ट जो है हम लोग अवॉइड करेंगे, जैसे ऐसे सब्सटेंसेस जिसके पास जो सॉल्टी हो, पिकल्स, ऑयल, विनेगर, मीट, मिल्क के फूड्स, इन सबको अवॉइड करना। अब जो उसके ऊपर थोड़ा सा जैसे ही आप रेड बर्फ की कुछ क्वांटिटी डालेंगे, एक सैंपल वहां डालेंगे, तो धीरे धीरे जो है वो रेड वर्म जो है जो आपने उसके लिए फूड दिया है उसके सहारे वो ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, और एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले। तो ऑब्जर्वेशन ये था कि लगभग 28-30 दिन में उनकी संख्या डबल हो जाएगी। अब एक फूड को एक किनारे पे पिट के आप डाल दीजिए, सारे रेडवर्म दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे उस किनारे पे जहां फूड है, दूसरा हिस्सा जो खाली है उसको अलग कर दीजिए, उसको ड्राई कर दिया जाए, और ड्राई कर देने के बाद कुछ घंटे में वो हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। और जो दूसरा हिस्सा बचा हुआ है उसको भी फिर वापस हम लोग कंपोस्ट बनाने में यूज कर सकते हैं, या किसी और को प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी ये दूसरे यूजर के लिए एक सोर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक तरह से वर्मी कंपोस्टिंग की टेक्निक उसको स्प्रेड करवा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने चर्चा की सबसे पहले यूज ऑफ लैंडफिल्स की, उसके बाद कंपोस्टिंग की, उसके बाद वर्मी कंपोस्टिंग की, और आखिर में हम लोग चर्चा करेंगे ई आर्स की। ये 3 R क्या है? पहला है रिड्यूस, दूसरा जो है वो है रीयूज, और तीसरा है रिसाइकल। अब यहां रिड्यूस कहने का मतलब है कि जो चीजें पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके यूज को मिनिमाइज किया जाए, कोशिश करें उसके सब्स्टिट्यूट को यूज करें। तो ये है यूज का रिडक्शन। रियूज का मतलब क्या है कि अगर आपके पास वैसे कोई चीज है जो लंबे समय तक डिकम्पोज नहीं करते हैं, तो ठीक है, घर में उसको प्रिजर्व करके रखिए, बार बार उसको यूज किया जाए। जैसे पुराने कपड़े हैं, फट गए तो उसको किसी और यूज में ले जाए, उसका पोछा बना लीजिए, या छोटे छोटे कपड़ों को मिला करके हम कुछ डेकोरेटिव चीज बना सकते हैं। तो ये रीयूज है। तीसरा जो रिसाइकल की टेक्निक है, उसमें क्या करते हैं, जो वेस्ट है उसको जमा करते हैं और उसको रिसाइकलिंग के प्रोसेस में क्या किया जाता है कि किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े, उसको जमा करें। मान लीजिए आपने पानी लिया, उसमें कागज के टुकड़े को रखा, कागज का टुकड़ा जो है अगर उसको 4-5-6 घंटे आप पानी में छोड़ देंगे तो मोर और लेस वो गल जाएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए उसको थोड़ा सा आपने गर्म करके ब्रेड किया, जो चीज बचा हुआ है उसको स्प्रेड कर दीजिए किसी नेट पे या किसी सरफेस पे, उसको सूखने के लिए दे दीजिए, उसमें छोटे छोटे कुछ कुछ आर्टिकल्स डाल दीजिए, और हम नए नए डिजाइन तैयार कर सकते हैं। यानी वी शुड ट्राई टू अप्लाई 3 R's, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल।
और एक बारी जब हम गार्बेज को प्रॉपरली मैनेज करना शुरू कर देंगे तो ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में मदद करेगा। इंटर्न जब हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और जब स्वस्थ रहेंगे तो हमारे कार्यशैली में, कार्य की क्षमता में इन्हांसमेंट होगा। इसका मतलब फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द वर्ल्ड वी हैव टू कीप आवर सब क्लीन, आवर एनवायरमेंट शुड बी केप्ट ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम गार्बेजेस वाया डिफरेंट यूज, वाया डिफरेंट मैनेजमेंट टेक्निक। तो इसी के साथ इस टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं, और इसके साथ ही क्लास सिक्स का ये आखिरी चैप्टर था जो खत्म हुआ, और आगे कल के एपिसोड से बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री उसके क्वेश्चन के सेशन से हम लोग शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।